हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप पर मोस्ट वेलकम करता हूं। आज का जो यह लेक्चर है वह बीपीएससी मेंस 65 के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो हमने गेस क्वेश्चन आप लोगों को बताया है उसी में से आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक का नाम है नियंडरथल मानव, यानी कि जीवाश्म मानव जो हम लोग पढ़ते हैं फॉसिल में उसी के अंतर्गत आज हम लोग जैविक जो यह है आपका नियंडरथल मानव उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार इसमें क्या क्या है। देखिए जैविकी विकास के क्रम में जो ड्रायोपिथिक्स से शुरू हुआ, ड्रायोपिथिक्स हुआ, उसके बाद आपका रमापिथिक्स हुआ, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने होमो इरेक्टस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो लिंक दे दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लीजिए। होमो इरेक्टस के बारे में बहुत बेहतरीन लेक्चर है और आज जो है हम लोग उसके आगे यानी कि नियंडरथल मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिकली नियंडरथल मानव का देखिए क्या है कि जब हम मेंस का राइटिंग लिख रहे होते हैं तो शुरुआत करना होता है एक भूमिका से। देखो भूमिका में ज्यादा भूमिका बड़ा नहीं होना चाहिए, दो से तीन लाइन बहुत बड़ा हो गया, उससे ज्यादा नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपका उसी दो से तीन लाइन में आपके आंसर का जो एक सार होता है ना वो दिख जाना चाहिए, जहां आखिरकार बताना क्या चाह रहे हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि नियंडरथल मानव जो है उद्विकासीय क्रम में एक अहम कड़ी था, विवेचना करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में आपको लिखना है, या फिर आपको कंपैरिजन करके बोलेगा कि होमो इरेक्टस जो है नियंडरथल से किन किन शारीरिक विशेषताओं के कारण जो है पीछे रह गया, नियंडरथल मानव जो है मानव के कितना करीब है, तो आप इस तरह से उसके शारीरिक विवेचनाओं को कीजिए। तो बेसिकली हम लोग इसमें पूरा देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ ही पूछे हम लोग उसको लिखने के काबिल रहेंगे। देखिए बात करें नियंडरथल मानव की, तो नियंडरथल मानव का जो जीवाश्म है वह जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ है, तो जर्मनी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, जर्मनी के उसेलडॉर्फ नियंडर घाटी से, उसेलडॉर्फ नियंडर घाटी के हेलहोफर गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कब प्राप्त हुआ है, तो 1850 में, 1850 में प्राप्त हुआ। ठीक है, और इसी स्थल के नाम पर, किस स्थल के नाम पर, नियंडर घाटी में मिलने के कारण इसी स्थल के नाम पर इस मानव का नाम क्या रखा गया, नियंडरथल मानव रखा गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी होगी। देखो बिल्कुल ही सिंपल सा है, क्या है कि नियंडरथल मानव का जो जीवाश्म है वह कहां से मिला, तो जर्मनी के उसेलडॉर्फ नियंडर घाटी के फेल्डहोफर गुफा से। ठीक है, तो नियंडर घाटी से मिला है, कहां से मिला है, नियंडर घाटी से मिला, और इसी कारण से इस मानव का नाम क्या रख दिया गया, नियंडरथल मानव रखा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अवशेष मिले हैं, इसके जीवाश्म अवशेष मिले हैं, तो आखिरकार कितने जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, तो इसके लगभग 275, ठीक है, 275 जीवाश्म अवशेष अलग अलग भागों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग जो है इसके भौगोलिक वितरण को देख लेते हैं कि आखिरकार नियंडरथल मानव का भौगोलिक वितरण जो था वह किधर किधर था, ताइए उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग जो है देख लेते हैं भौगोलिक वितरण के बारे में कि कहां कहां से जो है नियंडरथल मानव के जो जीवाश्म है वो प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला है नियंडर घाटी, जर्मनी। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने भूमिका में देख लिया, क्योंकि तो इसका नाम जो नियंडरथल मानव पड़ा है वह यही से नियंडर घाटी से ही मिलने के कारण इसका नाम यही से सबसे पहले बार मिला था, इसलिए जो है इस मानव का नाम क्या रख दिया गया, कपी मानव कह सकते हैं, तो इनका नाम रख दिया गया नियंडरथल मानव। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो अवशेष मिले हैं यानी कि जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं हम लोगों को, वह इनका भौगोलिक वितरण के रूप में जो दूसरा है वह है आपका जिब्राल्टर। ठीक है, देखिए जिब्राल्टर से क्या प्राप्त हुआ, तो जिब्राल्टर से दो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। देखिए अलग अलग जगहों से जो जीवाश्मों की संख्या है वो अलग अलग रूप से प्राप्त हुई है, कहीं से दो, कहीं से नौ, कहीं से बीस, कहीं बच्चों का तो कहीं बूढ़ों का। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि कहां से और क्या क्या प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो
तो देखिए बात करें जिब्राल्टर की, इसकी बात करें जिब्राल्टर की बात करें तो यहां से दो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कितने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? दो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप भौगोलिक वितरण में आगे बढ़िएगा तो आगे हमने लिखा है इराक, और इराक से कितने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो इराक से कुल 9 जीवाश्म प्राप्त हुए, यानी कि 9, ठीक है। तो 9 जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं? इराक से प्राप्त हुए हैं। तो यह बताता है कि इनका जो भौगोलिक वितरण था वो अलग अलग क्षेत्रों में था, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है आपका युगोस्लाविया, और युगोस्लाविया से जो है फ्रेंड्स 20 जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कितने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? 20 जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमने लिखा है यह महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रांस के बारे में, क्योंकि फ्रांस से जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वह बहुत ही अच्छे दशा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी फ्रांस से जो जीवाश्म प्राप्त हुए वे बहुत ही अच्छी दशा में प्राप्त हुए। क्लियर हो गया? कोई परेशानी समझने में? देखो तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको होती है बोर्ड पे दिखने में, हालांकि प्रयास हम कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा दिखे, फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो भौगोलिक वितरण में हमने लिखा है वह है आपका चेकोस्लोवाकिया। यह क्यों महत्वपूर्ण है? चेकोस्लोवाकिया क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां से जो कंकाल प्राप्त हुआ है वह एक बच्चे का कंकाल प्राप्त हुआ है। यहां से किसका कंकाल प्राप्त हुआ है? एक बच्चे का प्राप्त हुआ है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो नियंडरथल मानव का जो भौगोलिक वितरण था वह कहां कहां हो जाएगा? आपका रूस हो जाएगा, ठीक है, रूस हो गया। उसके बाद जो है अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। देखिए मुख्य रूप से जो ये नियंडरथल जो मानव के जो अवशेष हमें मिले हैं भौगोलिक वितरण में तो भिन्नता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अवशेष मिले हैं वह हम लोगों को ठंडे प्रदेशों से ज्यादा मिले हैं, ठंडे प्रदेशों से ज्यादा मिले हैं, ठीक है। हालांकि इनमें जो है भौगोलिक वितरण में विविधता है, यानी कि रशिया से भी मिला है, अफ्रीका अफ्रीकी देशों से मिला है और एशिया के भी देशों से मिला है, लेकिन मुख्य रूप से कहां से मिला है? तो ठंडे प्रदेशों में इनका जो है ज्यादातर मिला है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया? देखिए भौगोलिक वितरण हो गया। अब क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लोग होमो इरेक्टस में देखे थे कि कुछ उनमें शारीरिक समानता और असमानता पर कुछ जो है विवाद हो गया था, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या सभी नियंडरथल मानव के जो अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जितने भी अवशेष प्राप्त हुए, क्या सभी अवशेष एक जैसे थे? अगर एक जैसे थे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक जैसे फ्रेंड्स नहीं थे। इस कारण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बताना पड़ेगा जो नियंडरथल मानव के जो अवशेष मिले हैं वे अलग अलग क्षेत्रों से तो मिले ही और उनमें शारीरिक भिन्नता भी थी, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भिन्नता थी वह भिन्नता क्या था, फिर हम लोग उसके भ्रांतियों के बारे में आएंगे, फिर हम लोग शारीरिक जो लक्षण उसके आएंगे। आइए हम लोग पहले देख लेते हैं कि उनके बीच में अंतर था, वह अंतर क्या था। देखिए नियंडरथल मानव का जो वर्गीकरण किया गया वह दो भागों में किया गया, ठीक है। तो वे दो भाग कौन कौन थे पहले इसको देख लीजिए, फिर हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे क्या क्या है। तो एक भाग जो है वह कहलाता है अप्रगतिशील नियंडर। क्या कहलाता है? अप्रगतिशील नियंडर। और दूसरा कहलाता है प्रगतिशील नियंडर, ठीक है। यानी कि अप्रगतिशील मतलब क्या हो गया? कंजर्वेटिव नियंडरथल, ठीक है, और प्रगतिशील यानी क्या हो गया? प्रोग्रेसिव नियंडरथल, ठीक है। तो अब आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि प्रगतिशील नियंडरथल के क्या क्या गुण थे और ये जो अप्रगतिशील के क्या गुण थे और प्रगतिशील नियंडरथल के क्या क्या गुण थे। तो आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो हम लोग पहले देख लेते हैं अप्रगतिशील नियंडरथल मानव के बारे में, क्योंकि इसका वर्गीकरण दो भाग में किया गया, एक प्रगतिशील और एक अप्रगतिशील। तो पहले अप्रगतिशील के बारे में देख लेते हैं। देखिए अप्रगतिशील जो मानव थे उनका जो अधिकांशता जो निवास स्थान था वह पश्चिमी यूरोप में था। यहाँ पे यूरोप लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है? यूरोप, पश्चिमी यूरोप में इसका निवास स्थान था। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इसको अप्रगतिशील नियंडरथल कहने के पीछे क्या कारण था कि इनके जो शारीरिक लक्षण थे
किनके शारीरिक लक्षण, यानी कि नियंडरथल मानव के जो शारीरिक लक्षण थे वह जो है इस वाले में होमो इरेक्टस से मिलते जुलते थे। किससे मिलते जुलते थे? तो होमो इरेक्टस से, ठीक है। अब होमो इरेक्टस के शारीरिक लक्षण क्या थे, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में उसको क्लियर किया है। हालांकि एक हमने यहाँ पे लिखा है उसको देख लीजिए, बाकी आप लोगों ने पढ़ाई होगा उसको। देखिए तो उस क्या क्या लक्षण थे, तो एक तो है जैसे कि भारी कपाल, यानी कि कपाल जो था वह होमो इरेक्टस का बहुत भारी था, तो इनका भी भारी था। दूसरी बात क्या था शारीरिक लक्षणों में समानता होमो इरेक्टस से, कि होमो इरेक्टस की जो हड्डी थी वह मोटी व मजबूत थी, और नियंडरथल मानव के, यानी कि जो नियंडरथल मानव अप्रगतिशील थे, उनकी भी जो हड्डी थी वह मोटी एवं मजबूत थी। तो यहां से क्या होता है कि उसको अप्रगतिशील में रखने का कारण क्या था, तो कि यह कारण भी जिम्मेवार था कि होमो इरेक्टस से उसके शारीरिक लक्षणों का मिलना जुलना, जैसे कपाल का भारी होना, हड्डियों का मोटा होना और मजबूत होना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या था, इन लक्षणों के साथ साथ यह अप्रगतिशील नियंडरथल मानव में कुछ प्रगतिशील नियंडरथल मानव के भी लक्षण विद्यमान थे, यानी कि प्रगतिशील नियंडरथल के लक्षण में क्या हो जाएगा, तो पश्च कपाल की अनुपस्थिति। जैसे क्या होता है, यदि आप बात करें एप की, लंगूर की या बंदर की बात करें, तो क्या है ना कि उसमें आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है कुछ इस तरह से बनावट होता है, ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं है समझ लीजिए आप लोग। लेकिन यदि आप बंदर की बात करें, एप की बात करें, उसका जो मस्तिष्क होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये इस तरह से ललाट ऐसे रहता है, और ये वाला भाग जो है ऐसे पीछे की ओर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो पीछे की ओर निकला हुआ जो भाग था वह जो है ये अप्रगतिशील में नहीं था, यानी कि नियंडरथल की भांति थोड़ा थोड़ा जो है सो इस तरह का था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यह था अप्रगतिशील नियंडरथल मानव के बारे में। अब दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है प्रगतिशील नियंडरथल। तो आइए अब हम लोग प्रगतिशील नियंडरथल मानव के बारे में देख लेते हैं। आइए अब हम लोग जो है देख लेते हैं प्रगतिशील नियंडरथल मानव के क्या क्या मतलब जो है वो लक्षण थे, वो कहां मिलते थे, क्या है, देखिए। देखिए नियंडरथल मानव को दो भाग में बांटा गया, हम लोगों ने एक देख लिया। अब देखिए प्रगतिशील में क्या है कि सबसे पहला जिनका जो निवास स्थान था वह कहां था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों में, ठीक है। अब देखिए क्यों दोनों में अंतर लग रहा था, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था कि जहां अप्रगतिशील नियंडरथल मानव के जो लक्षण थे वह होमो इरेक्टस से मिलते थे, वही प्रगतिशील नियंडरथल के जो शारीरिक लक्षण थे वह किससे मिलते थे, आधुनिक मानव से, ठीक है। तो इस कारण से जो है दोनों में विभेद का जो भ्रांति था वो उत्पन्न हो गया था। तो आधुनिक मानव से मिलेगा तो क्या होगा, हमने यहाँ पे एक दो लिखा है, बाकी आप लोग तो समझदार है पता ही होगा। जैसे पश्च कपाल की अनुपस्थिति हो गया, शरीर की जो रचना है वह हल्की हो गई, दंत चाप जो है हो गया, उसके बाद नासिका, ये सब जो भी है तो ये सब तो पता ही है। देखिए तो यह जो है ये थे इन दोनों के बीच में विभेद का कारण, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नियंडरथल मानव के ये जो कुछ भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां क्या थी, उस बार हम लोग देख रहे हैं उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए जो नियंडरथल मानव के शारीरिक लक्षणों की जो विशेषता जो विवेचना की गई है उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो हम लोग यदि भ्रांतियों की बात करें तो नियंडरथल मानव के बारे में जो भ्रांति थी वह क्या थी कि प्रारंभ में है प्रगतिशील एवं अप्रगतिशील मानव, कौन मानव, तो नियंडरथल मानव, ठीक है। क्योंकि हमने भी बताया था वर्गीकरण में दो क्या गया था, एक प्रगतिशील और दूसरा अप्रगतिशील, तो इन दोनों के बीच में अंतर माना जाता था, इन दोनों के बीच में क्या माना जाता था, अंतर माना जाता था। लेकिन बाद में इनके शारीरिक लक्षणों का क्या किया गया कि शारीरिक लक्षणों का बृहद अध्ययन किया गया और इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर दोनों को समान माना गया, दोनों को क्या माना गया, समान माना गया। तो इन भ्रांतियों क्या भ्रांति क्या थी कि दोनों को अलग माना गया था, तभी तो वर्गीकरण किया गया ना, वर्गीकरण किया गया अलग माना गया, लेकिन बाद में क्या किया गया कि उनके शारीरिक लक्षणों का विस्तृत अध्ययन किया गया और अध्ययन के उपरांत शारीरिक लक्षणों के अध्ययन के उपरांत दोनों को क्या माना गया, तो समान माना गया, ठीक है। अब बात आई है शारीरिक लक्षणों की, तो हम लोग देख लेते हैं कि नियंडरथल मानव के शारीरिक लक्षण क्या क्या थे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं,
तो आइए हम लोग देख लेते हैं नियंडरथल मानव के शारीरिक लक्षण क्या क्या थे। देखिए सबसे पहला जो शारीरिक लक्षण है वह है इनके मस्तिष्क का जो घनत्व तो है वह था 1300 से 1750 घन सेंटीमीटर। ठीक है तो मस्तिष्क का घनत्व होगा, ये जो घनत्व है लगभग क्या है आधुनिक मानव के ही समान है। ठीक है मतलब थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन आधुनिक मानव का भी तो यहां तक 1300 टच कर ही जाता है, 1250 से 1350 तक तो वैरी करते रहता है तो हो गया यानी कि 1300 से 1750 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मस्तिष्क का घनत्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद है जो आपका शीर्ष देशना। ठीक है देखिए शीर्ष देशना में क्या होता है कि सिर की लंबाई बटे सिर की चौड़ाई गुना 100। ठीक है ये फार्मूला होता है। हम लोग जो प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे और रेशियल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो शीर्ष देशना नासिका देशना आनंद सूचकांक ये सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ अभी टॉपिक है तो टॉपिक में जितना हम लोग उतना देख लेते हैं। ठीक है तो शीर्ष देशना क्या हो जाएगा आपका 70 से लेके 76 के बीच। ठीक है उसके बाद देखिए अब जो चेहरा की बात करते हैं तो नियंडरथल मानव के जो चेहरा होते थे वो अपेक्षाकृत बड़े होते थे यानी आधुनिक मानव के जो चेहरा हम लोग देख रहे हैं उसके अपेक्षा में क्या होता था अपेक्षाकृत बड़ा होता था यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता था। जब चेहरा बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है नेत्र कोटर यानी आंख का जो ये होगा जो हम लोग का जो आंख है ना हड्डी में चारों तरफ छट्टी है और बीच में आंख है तो यह नेत्र कोटर भी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा क्योंकि भैया चेहरा ही जब बड़ा है जब चेहरा बड़ा होगा तो नाक आंख सब कुछ बड़ा हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा नेत्र कोटर आपका बड़ा हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जब चेहरा बड़ा होगा तो चवर्णक जो होगा यानी कि दांत जो है दांत में जैसा है ना चवर्णक है अकृंतक है रंधनक है जो भी है हम लोग जो ICPM ठीक है ICPM जो हम लोग 2:1:2:3 जो पढ़े थे उसमें होमो इरेक्टस में। ठीक है तो चवर्णक यानी कि दांत का जो एक टाइप होता है वो आधुनिक मानव की तुलना में क्या था बड़ा था। ठीक है अब देखिए फीमर की हम लोग बात कर लेते हैं पैर की जो हड्डी होती है फीमर जो होती है वह जो था आधुनिक मानव की अपेक्षा क्या था मजबूत था और मजबूत होने के साथ साथ थोड़ा सा घुमा हुआ था मजबूत एवं घुमावदार। ठीक है मजबूत भी था और साथ ही साथ क्या था थोड़ा सा घुमावदार भी था तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये कपाल जो था वह मध्य में अधिक चौड़ा था जैसे मान लीजिए ये कपाल है इस तरह से। ठीक है तो ये वाला जो पोर्शन था यह जो था वो अधिक चौड़ा था यानी हो सकता है कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया तो यहां तक क्लियर हो गया। तो यह था शारीरिक लक्षण। ठीक है हम लोगों ने इसमें क्या क्या जाना तो हम लोग जाने नियंडरथल के बारे में कि नियंडरथल का सबसे पहला जो जीवाश्मी अवशेष है वह कहां से मिला उनके बाद जो उनका वर्गीकरण जो था वह क्या था उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि उनमें भ्रांतियां क्या थी। ठीक है उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि उनके शारीरिक लक्षण क्या थे। अब देखिए अब जो हम लोग इसके निष्कर्ष की ओर आ जाते हैं तो निष्कर्ष की बात की जाए तो आपका जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा यह जो थे नियंडरथल जो थे ये नूतन काल से संबंधित थे। किस काल से संबंधित थे अत्यंत नूतन काल। ठीक है अत्यंत नूतन काल। ठीक है तो आप कह सकते हैं कि निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि ये नियंडरथल मानव जो थे वे अत्यंत नूतन काल से संबंधित थे और ये जो थे मध्य पाषाण काल। ठीक है किस संस्कृति से हो जाएगा मध्य पाषाण काल के मुस्तेरी संस्कृति। कौन सी संस्कृति तो मुस्तेरी संस्कृति से ये संबंधित थे। ठीक है तो इसको सेंटेंस में लिख लेना है कि निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि नियंडरथल मानव अत्यंत नूतन काल से संबंधित थे। ठीक है वह मध्य पाषाण काल के मुस्तेरी संस्कृति से संबंधित थे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि नियंडरथल के बारे में जितना भी कुछ था सब कुछ जो है आप लोग जान गए हैं। ठीक है तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा और पूरा देख लिया तो आप जो है एग्जाम्स में एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे और क्वेश्चन ये आता है तो आप औरों की अपेक्षा बहुत ही बेहतर जो है अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। यदि कोई समस्याएं नजर आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।